वेलकम माय डी स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10वीं बी से गणित के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। इस वीडियो में आपको इसके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 27 तक के सभी प्रश्नों के आपको हल बताऊंगा, बिल्कुल आपको समझाऊंगा, है ना। यदि आप इसका आंसर देखकर लिख लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे अंक में से पूरे अंक मिलने वाले है। तो उसके लिए आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। और आपको अदर सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन के वीडियो का लिंक आपको उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 में आ में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना। तो देखिए पहले का आंसर आएगा 0.25, दूसरे का आंसर आएगा 1.8, तीसरे का आंसर आएगा 2, चौथे का आंसर आएगा 2y, पाँचवें का आंसर आएगा x+3y, दूसरे कोष्टक में x-3y, छठवें का आंसर आएगा 29/4, सातवें का आंसर आएगा -2, आठवें का आंसर आएगा 2, नौवें का आंसर आएगा 48%, और दसवें का आंसर आएगा i=P×R×T/100। तो ये आपके सही विकल्प के आंसर आएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद देखिए 12 नंबर में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए पहले का आंसर आएगा 2, दूसरे का आंसर आएगा लाभ, तीसरे का आंसर आएगा समरूप, चौथे का आंसर आएगा घन का आयतन, है ना। चौथे का आंसर आप लिख देंगे 1 × 3, और पाँचवें का आंसर आएगा आपका 180। तो आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। इसके देखिए 7 नंबर में आपको सत्य असत्य कथन बताना। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा और पाँचवा सत्य है, केवल चौथा असत्य है। तो देखिए आपके सत्य सत्य भी यहाँ पर हो गए हैं हल। तो आइए हम बढ़ते हैं इनके आगे वाले प्रश्नों की तरफ। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT JEE नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का हल। तो देखिए यहाँ पर आपको 3/4 और 6/5 के बीच में पहली परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखिए हम करेंगे क्या, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे और 2 से हम भाग देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4 और 5 का लघुत्तम आएगा 20, और ऊपर यहाँ पर हम लघुत्तम का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए 20 में 4 का भाग जाएगा 3 बार 3 का गुणा होगा ऊपर के, है ना, 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार उस और 5 का गुणा होगा ऊपर के 3 से, प्लस 20 में 5 का भाग जाएगा 4 बार और 4 का गुणा होगा ऊपर के 6 से, √2 का √2 बराबर से हम इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 24/20/2। तो यहाँ पर देखिए 15 और 24 जुड़कर बन जाएगा 39/20, है ना, बटे में 2 है, 2 के √1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, इन संख्या को उलट देंगे। तो देखिए जो 1 है वह ऊपर चले जाएगा और जो 2 है वह नीचे जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 39 और 20 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 39/40 यहाँ पर आंसर आ गया। इसका देखिए हम प्रश्न क्रमांक 3 का देखते। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें 2x² -7x(2) में से हमें -3x^4 को यहाँ पर घटाना। तो देखिए हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पर देखिए -2^4, है ना, यहाँ पर बड़ी संख्या धन की है, यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है जो कि धन की है। तो -4 में से जब हम -2 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए -7x और -3x, यानी कि ऋण और ऋण वाली संख्या यहाँ पर जुड़ती है। तो देखिए और बड़ी संख्या और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है और जुड़ेगी तो क्या बन जाएगी, 10x, और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह तो यहाँ पर ऋण लगाएगा और 2x² में से कुछ नहीं घटेगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया 2x² -10x^2, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का हल। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको 3y-3 = 9 दिया है, इस समीकरण को आपको हल करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, 3y/2, है ना, इस -3 को हम इधर तरफ पंचांतर कर देंगे। तो देखिए 9 का 9 रहेगा, ये 3 जो इधर है ऋण का, इधर जाकर भी धन का हो जाएगा। तो देखिएगा आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3y/2 का 3y/2 रहेगा बराबर से 9 और 3 = 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3y, है ना, है ना, ये दोनों संख्याएं बराबर में है तो ये जो बटे वाली संख्या इधर गुणे में जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा हो जाएगा 12 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा, और बाय का मान हम निकालेंगे तो 24/3 आ जाएगा, और 24 का भाग 3 से 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली बाय का मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिख के आइए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकती है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है सूत्र द्वारा प्राप्त अंक कितना है, 18 अंक है, पूर्णांक कितना है 25 अंक है। हमें इसका प्रतिशत निकालना। तो देखिए प्रतिशत का सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। तो देखिए यहाँ पर प्राप्तांक है 18 बटे पूर्णांक कितना है 25 गुणित 100 का गुणित 100। 100 में 25 का भाग जाएगा 4 बार, 18 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72, यानी कि प्रतिशत निकल कर आ गया 72%, और यही आपका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न 6 में आपको यहाँ पर गुणनखंड को तोड़ना है, तो देखिए इसे हल करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच में जो 2x है हम इसे दो पदों में तोड़ेंगे, कि हमें इस प्रकार से जोड़ना है कि जोड़ने पर वह यह वाली संख्या बन जाए 2x बन जाए, और गुणा करने पर वह इन दोनों का गुणा हो जाए। तो देखिए हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, हम 2x को तोड़ देंगे x प्लस एक्स में, है ना। जब हम x और x को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 2x बन जाएगा, और जब हम x और x का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि इनके गुणे के बराबर बन जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हम इस पद में क्या करेंगे, हम दोनों इस पद में एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लिए तो अंदर के बचेगा 1x + 1, प्लस ये वाले पद में से हम एक को कोमल लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स धन एक बराबर से 0 का बराबर 0। यहाँ पर देखिए दो कोष्ठक बन जाएंगे, x + 1 और x + 1 बराबर 0 का बराबर 0। अब हम एक्स हम यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर x + 1 के बराबर 0 ले सकते हैं, और ये वाले x + 1 के बराबर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x + 1 बराबर 0, ये इधर भी x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, तो देखिए x बराबर से यहाँ पर धन जो है जो एक है वो धन का है, इधर साइड जाकर भी ऋण का हो जाएगा, तो ऋण का एक हो जाएगा, इसी प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया है, यहाँ पर आपको x बराबर 40 दिया है, कोण AOB एक सरल रेखा है, अतः है ना कोण AOB बराबर से होगा 180 अंश। फिर आप इस प्रकार से हल करेंगे तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में आपको शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आएगा कोण AOD बराबर से 120 अंश, यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है क्या दिया है, वर्ग की भुजा A का मान आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और वर्ग का विकर्ण आपको दिया है करणी 2A। तो यहाँ पर हम इन दोनों है ना, तो हम क्या करेंगे करणी 2 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 10 करनी 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसका देखिए हमें प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, इसमें हमें बिंदु है ना बिंदु P 6.8 था है ना, ये -9, -12 दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे x1 मान लेंगे हम, और इसे x2, इसे y1 और इसे y2 हम मान लेंगे, ठीक है ना, इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें इन PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा करनी में, x2 - x1² + y2 - y1² मान रख देंगे हम, मान रखेंगे इन्हें सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए करनी 625 आएगा, और करनी 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका, 25 इकाई यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वर्ग का परिमाप दिया है 80 मीटर। तो यहाँ पर देखिए है ना, तो देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता था, तो 4 गुणित भुजा या और भुजा का मान लेंगे ए, तो देखिए 4 गुणित ए बराबर से 80। तो यहाँ पर हम ए का मान निकालेंगे, तो देखिए 80 के बट्टे में यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 80 में 4 का भाग जाएगा 20 बार, तो यहाँ पर ए का मान आएगा 20 मीटर। फिर हमें निकालना है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a² तो देखिए यहाँ पर ए का मान आपका निकल कर आया है 20 का वर्ग कितना आएगा 400, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 11 में आपको दिया है cos θ = 1/2 sin θ = 3/2। तो हमें यहाँ पर कोसेक सेक और टेन के मान ज्ञात करना, तो देखिए हम कोसेक बराबर से जैसे कि आपको पता है 1/sin θ होता है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो 1/sin θ मान हम यहाँ पर रखेंगे करनी 3/2। तो यहाँ पर देखिए नीचे का दो जो है वह ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/3 यहाँ पर आंसर आएगा। इसी प्रकार सेक थीटा का मान कितना होता है 1/cos θ, तो यहाँ पर 1/cos θ का मान हम रख देंगे यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर देखिए नीचे का 2 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2/1। इसी प्रकार tan θ बराबर होता है sin θ / cos θ, तो देखिए यहाँ पर sin θ का मान हम रख देंगे करनी 3/2, और cos θ का मान रख देंगे हम 1/2।
बटे दो से बटे दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा करनी 3/1। इस प्रकार से आप यहाँ पर सोल्व कर लेंगे इस सवाल को। अब देखिएगा आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका जो 12 है, इसमें आपको एक सवाल दिया है, एक बास्केटबॉल की टीम द्वारा मैच की श्रृंखला में निम्नलिखित स्कोर बनाया गया है, या आप पर आपको संकेत दी गए, इन आंकड़ों की सहायता से आपको यहाँ पर क्या करना है, माध्य को ज्ञात करना। तो देखिए हम करेंगे क्या है ना, हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल संख्या कितनी है, यहाँ पर टोटल यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 16 है। तो हम देखिए इस प्रकार से आप सवाल को हल कर लेंगे और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 11, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक पास से एक बार उछाला जाता है, 3 को छोड़कर अन्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आप सवाल को सोल्व करेंगे और आंसर आएगा PF बराबर से 5/6। अगला क्वेश्चन आपका, करणी 18 तथा करणी 12 के परिमेय कारण गुणक ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर करणी 18 आपको दिया है, करणी 18 है ना, 18 को हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 × 2 आएगा, क्योंकि 3 के जोड़ा बन रहा है एक, तो 3 का जोड़ा बनने के कारण जो 3 है वह करणी से बाहर आ जाएगा, अंदर बच्चे का करणी 2, तो इसका परिमेय कार्य गुणक क्या आ जाएगा, करणी 2 आ जाएगा। इसी प्रकार करणी 12 को आप सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, करणी 3 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको है ना, यहाँ पर आपको दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मूलधन आपको दिया है 5000 रुपये, से रकम दी है आपको 6050 रुपये, तो इसके साथ साथ हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे है ना, रकम में से हम मूलधन को घटाएंगे। तो देखिए रकम दी है 6050, ऋण मूलधन हमें दिया है 5000, तो जब हम 6050 में से 5000 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1050, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और चूंकि समय हमें दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का सूत्र लगाकर हम यहाँ पर दर को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो यहाँ पर साधारण ब्याज आपको दिया है 1050 बराबर से, मूलधन आपको दिया है 5000, आर का मान हमें ज्ञात करना है, गुणित समय दिया है 3 वर्ष बटे 100 का बटे 100। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या है वह बराबर में है, तो देखिए 100 इसके गुण में जाएगा, तो देखिए 1050 गुणित 100 जाएगा बराबर से 5000 गुणित आर गुणित गुणित 3। अब यहाँ से हम यहाँ से आर का मान निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1050 में हम 100 का गुण कर देंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा बटे 5000 × 3, यहाँ पर काटा पीटी करके आंसर आएगा आर बराबर 7%, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए सोल्व आपको सवाल दिया है, वृत्त एवं सकेंद्रीय वृत्त को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ये जो इतनी परिभाषा है आप हेडिंग डालेंगे, वृत्त वृत्त की परिभाषा आप इतनी लिख लेंगे, फिर ठीक है इसका देखिए आप सन केंद्रीय वृत्त हेडिंग डालेंगे और सन केंद्रीय वृत्त की आप यहाँ से लेकर यहाँ तक परिभाषा लिख लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर घात 3 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप सवाल को हल करेंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1014 सेंटीमीटर का वर्ग, और विकर्ण कितना आएगा, 3 × 3 सेंटीमीटर। अगला देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 18 है ना, यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया है बराबर से दिया है, करणी में 1 − sin θ / 1 + sin θ। अब यहाँ पर आपको करेंगे क्या, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ना, राइट हैंड साइड का आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे हर का परिमेयकरण, तो देखिए करणी में 1 − sin θ / 1 + sin θ, तो देखिए हर आपको दिया 1 + sin θ, तो गुणे में हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो देखिए प्लस वाला चिन्ह माइनस को जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा और आप सोल्व कर देंगे, फिर हम अंश का परिमेयकरण कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। अब 19वां सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दिया है, अच्छी तरह फेटी गई ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक तस्वीर वाला पत्ता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि ये तस्वीर वाला पत्ता है जो कि गड्डी में से निकाला गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, चूँकि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, जो कि बेतसम बेगम और गुलाम से मिलकर बने होते हैं, है ना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी। तो देखिए हम प्रायिकता निकाल लेंगे,
किसके लिए प्रैक्टिस निकालेंगे कि तस्वीर वाला पत्ता है इसके लिए हम प्रैक्टिस निकालेंगे। तो देखिए प्रैक्टिस बराबर होता है ना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम है 12 बटे कुल परिणाम है 52 है ना। टास्क की 52 पत्ती दी है तो बाव है ना। तो देखिए यहाँ पर हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 3/13 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब 20वां सवाल आपको दिया है ABCD एक चक्री समांतर चतुर्भुज दर्शाए कि एक आयत है। तो देखिए इस प्रकार से आप हल करेंगे और यह आपको जो साइड में डायग्राम दिख रहा है इसे भी आप बना लेंगे। अब देखिए आपको 21वां सवाल दिया है इसका अदबा देखेंगे हम है ना। क्या दिया है व्यास 21 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है व्यास दिया आपको 21 सेंटीमीटर। हम अर्धव्यास निकालेंगे। अर्धव्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे व्यास में 2 का भाग देते हैं। तो देखिए 21 में हम 2 का भाग देंगे 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवास होता है 4πr². तो देखिए 4 का 4 पाई का मार्ग हमने 22/7 गुणित आर दिया है हमें 21/2। तो 21/2 का यहाँ पर हम 2 बार गुणा कर देंगे। काटा पीटी करने पर आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार हम यहाँ पर गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन भी बराबर होता है 4/3 पाई आर की यहाँ 3। तो देखिए 4/3 गुणित पाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे 22/7 गुणित आर का मान दिया है 21/2। 21/2 को हम 3 बार गुणा कर देंगे। काटा पीटी करने पर यहाँ पर आंसर आएगा 4851 सेंटीमीटर की यहाँ 3। अब देखिए यहाँ पर आपको अगला सवाल दिया है यदि कोस थीटा माना साइन थीटा बराबर से करनी दो साइन थीटा तो सिद्ध कीजिए कोस थीटा पहले साइन थीटा बराबर से करनी दो कोस थीटा। तो इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। फिर इसके आगे आप ये स्टेप करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। इतना आपका आंसर है ना ये सिद्ध हो जाएगा और साइड में आप लिख सकते हैं प्रूव्ड है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है ना। इसमें जो माध्य ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पर हल है। इस प्रकार से आप कॉलम बनाकर यहाँ पर करेंगे और फिर कल्पित माध्य ए बराबर कितना है 35। फिर माध्य का सूत्र लगा देंगे आप और उसे हल कर देंगे। तो हल करने पर माध्य वर्ग एक्स का मान आएगा 42.6। अब देखिए अगला सवाल आपको दिया है 5x-11 -12x² + 2x³³ को 2x-5 से भाग दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर भाग देंगे। ये आपका आंसर होगा। ये आपका भागफल और शेषफल यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर 15-25 का अधबा का उत्तर हम देखते हो। देखिए इस प्रकार से आपको हल करना है। माना कि ए बराबर से आपको दिया है 1,1 बी बराबर से 3,0 सी बराबर से -1,2। चूँकि त्रिभुज ABC एक संरेख है तो डेल त्रिभुज बराबर से हम 0 मानेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मोड में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यहाँ पर हम मानक देंगे। तो देखिए 1/1 y2 मोड में x1 का मान 1 x2 का मान 3 x3 का मान -1 y1 का मान 1 y2 का मान 0 और y3 का मान 2 1 1 1। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे और हल करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। अब 0 आ गया मतलब कि जो त्रिभुज है वह संरेख होगा यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। तो आप लिख देंगे प्रूव्ड अतः सिद्ध हुआ। अब देखिए 26वां का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। समीकरण आपको दिया है 3x-5y 4 से समीकरण 1 मान लेंगे। 9x-2y = 7 समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए विलोपन विधि के हम करेंगे क्या है ना। समीकरण 1 में 9 का था समीकरण 2 में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 27x-45y = 36 27x-6y = 21। तो देखिए यहाँ पर धन है तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर धन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हल करने पर यहाँ पर y का मान -15/39 आएगा और इस y का मान को हम क्या करेंगे है ना y का मान -5/13 आएगा। इस y का मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे आप तो यहाँ पर है ना 3x-5 कोष्टक में -5/13 = 4। तो इसको हल करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा x का मान आ जाएगा 9/13। तो यही आपका आंसर होगा। आखिरी सवाल है आपका तो इसका आंसर आप देख लीजिए 27वां।
डायग्राम भी आप बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।